सब लोग अटेंडेंस लिखेंगे चैट बॉक्स में। मैंने अटेंडेंस लिया है, चाहे चैट बॉक्स में जाए ना, वाणी स्टैंडर्ड मेंटेन कराता है। यज्ञ आयशा रेहांश, ओके नो ऑल ऑफ यू कैन जस्ट चेक माई प्रेजेंस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। सबको मेरे प्रेजेंस स्क्रीन दिख रही है, चेक करो, चैट बॉक्स में मैसेज करो। जूनियर केजी नर्सरी सीनियर नर्सरी, ओके फर्स्ट हम सीनियर केजी से स्टार्ट करते हैं। ओके सीनियर केजी, हम स्वर एक बार रिपीट करेंगे ओरली, पहले मैं करूंगी फिर मेरे पास आप लोग करोगे, ओके। अ से अनार, अ से अनार, आ आ से आम, आ आ से आम, ई ई से इमली, ई ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, रू रू से ऋषि, रू रू से ऋषि, ए ए से एक, ए ए से एक, ऐ ऐ से ऐनक, ऐ ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औषधि, औ से औषधि, अंग अंग से अंगूर, अंग अंग से अंगूर, और लास्ट में आहा, आहा से नमः एंड अंत, आहा आहा से नमः और अंत। ओके सीनियर के जी, ये स्वर है, स्वर हमने अभी रिपीट किए है, और हमने लास्ट क्लास में सीखा है क क सीखा है, क क से कमल, क क से कमल, लास्ट क्लास में हमने क सीखा है, क क से कमल, ओके चलो सीनियर के जी अपनी अपनी नोटबुक्स लेके रेडी हो जाओ। आज हम सेकंड व्यंजन सीखेंगे, दूसरा लेटर सीखेंगे व्यंजन का। लास्ट क्लास में हमने व्यंजन का फर्स्ट लेटर सीखा था क, क से कमल। तो आज हम सीखने वाले हैं दूसरा व्यंजन ख, ख। ये देखो ख कैसे लिखना है, पहले हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल जहां पे एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पे हमें एक ट्विस्ट करके उसको हमें ऐसे ऊपर लेके जाना है, लाइक दिस।
और अगेन वन स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे फुल सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ख, ख से खरगोश, ख, ख से खरगोश। सी अ वन मोर टाइम, आई एम शोइंग यू हाफ सर्कल वन ट्विस्ट एंड अगेन अ हाफ सर्कल लाइक दिस, वन स्टैंडिंग लाइन, वन फुल सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ख, ख से ख, ख से खरगोश, वन ट्विस्ट, हाफ सर्कल ट्विस्ट, स्टैंडिंग लाइन, फुल सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ख, ख, ख से खरगोश, ख, ख से खरगोश। और एक बार देखो यहाँ पे सीनियर के जी, वन हाफ सर्कल ट्विस्ट, ट्विस्ट अगेन, हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, ख से खरगोश, ख से खाड़ी। खाड़ी मीन्स दरी। वन हाफ सर्कल ट्विस्ट इट, ऊपर हाफ सर्कल से वन स्टैंडिंग लाइन, फुल सर्कल, स्लिपिंग लाइन, ऐसे। ख, ख से खंदा। अभी आप लोग मुझे ख से शुरू होने वाले न्यू वर्ड्स बताओगे, न्यू शब्द बताओगे। एक बार ख, किसी को याद है, किसी को पता है ख से शुरू होने वाले वर्ड्स शब्द? आयशा, आयशा का माइक शुरू करो। खसखट, ख से खत। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? आयशा के बाद आफिया, आफिया का माइक शुरू करो। आफिया बेटा, आपको ख से शुरू होने वाले वर्ड शब्द पता है कुछ? खाना, ख से खादी। ख से खाना, ख से खादी। यस, गुड गर्ल। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है आफिया के बाद? मुझे नाम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। विराट। यस, विराट, विराट का माइक शुरू करो। खाते ख से खरगोश और खादो खजूर। ओके, ख से खाना और खाड़ी। ख से खत, ख से खाड़ी। ओके, ख से खाकी। ऐसे हाफ सर्कल वन ट्विस्ट, अगेन लाइक दिस टर्न, वन स्टैंडिंग लाइन, फुल सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन। सॉरी, सी वन मोर टाइम, आई एम शोइंग यू हाउ टू राइट ख। मैं और एक बार बता रही हूँ आपको सबको, ख कैसे लिखना है। वन हाफ सर्कल ट्विस्ट और ऊपर टर्न करके ऐसे लेके जाना है, स्टैंडिंग लाइन निकालनी है और यहाँ पे फुल सर्कल निकालना है लाइक दिस, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ख, ख से खाना, ख से खरगोश, ख से खादी। चलो अभी आप नोटबुक्स निकालो सब सीनियर के जी। ख पता चला कैसे लिखना है? आयशा, आफिया, विराट, समझ में आया? ख, ख कैसे लिखना है? चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दो।
ओके चलो अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल के रेडी हो सीनियर के जी। आपकी नोटबुक्स में ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। ऐसे लाइंस ड्रॉ तो अभी ख लिखना शुरू करना है ऐसे हाफ सर्कल ट्विस्ट टर्न वन स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल पर स्लीपिंग लाइन ख ख से खरगोश वन हाफ सर्कल ट्विस्ट टर्न डालना है स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल स्लीपिंग लाइन ख ख से खाना हाफ सर्कल टर्न स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल स्लीपिंग लाइन ख ख से ख हाफ सर्कल ट्विस्ट टर्न स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल स्लीपिंग लाइन ख ट्विस्ट स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल स्लीपिंग लाइन ख के जी ख के कंप्लीट होने के बाद आपको चैट बॉक्स में कंप्लीट डन करके मैसेज डालना है स्टार्ट राइटिंग नाउ जूनियर के जी पे अटेंशन ओवर हियर चलो हिंदी के स्वर हम ओरली करते हैं ओरल करते हैं पहले चलो से आफ्टर मी अ अ से अनार अ अ से अनार आ आ से आम आ आ से आम ई ई से इमली ई ई से इमली बड़ी ई से ईख से आफ्टर मी रिपीट आफ्टर मी जूनियर के जी मेरे पीछे बोलो ई ई से ईख ऊ से उल्लू ऊ से उल्लू नेक्स्ट ऊ उसे ऊन उसे ऊन रू रू से ऋषि रू रू से ऋषि
ए इसे एक, ए इसे एक, आई ऐसे एनाक, आई ऐसे एनाक, ओ उसे ओखली, ओ उसे ओखली, औ उसे औषधि, औ उसे औषधि, अंग अंग से अंगूर, अंग अंग से अंगूर, आहा आहा से नमः और अंतः, आहा आहा से नमः और अंतः। ओरल बोला सबने मेरे पीछे। जूनियर के प्रणिका, ओरल बोली है मेरे पीछे धारा और प्रणिका ने। बार रिपीट करते हैं ओरल। अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई इसे इमली, ई इसे इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, ऊ से आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, ऊ उसे उल्लू, ऊ उसे उल्लू, ऊ उसे ऊन, ऊ उसे ऊन, रू रू से ऋषि, रू रू से ऋषि, ए इसे एक, ए इसे एक, आई ऐसे एनाक, आई ऐसे एनाक, ओ उसे ओखली, ओ उसे ओखली, औ उसे औषधि, औ उसे औषधि, अंग अंग से अंगूर, अंग अंग से अंगूर, और आहा आहा से नमः और अंतः, आहा आहा से नमः और अंतः। उरल बोला है प्रणिका, तो लास्ट क्लास में हमने क्या जूनियर केजी के लिए स्टार्ट किया है, स्वर में से ओ लिखा है हमने लास्ट क्लास में हमारे, तो इस बार वो रिपीट करते हैं। अ वन हाफ सर्कल, अगेन अ हाफ सर्कल, स्मॉल स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, अ हाफ सर्कल, अगेन अ हाफ सर्कल, स्मॉल स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अ उसे अनार, ऐसे होता है ना अनार, आड़े थोड़ा शेप में,
से अनार। लास्ट क्लास में हमने अनार सीखा। तो आज हम ओ के बाद जो स्वर आता है वो सीखने वाले हैं। ओ के बाद कौन सा स्वर आता है? ओ के बाद आता है आ। आ से आम। ओ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ। आ से आम। ओ जैसे ओ निकालना है पूरा का पूरा, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आ। आ से आम। यस धारा एंड प्रणिका, टेक आउट योर नोटबुक्स, नोटबुक्स ले लो। चलो नोटबुक्स में अभी हम लिखेंगे आ। आ से आम। नोटबुक्स निकाली है धारा ने, प्रणिका ने। चलो अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे लाइन्स ड्रॉ करो। और यहाँ पे हमें लिखना है आ ऐसे, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, वन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आ। आ से आम। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आ। आ से आम। आ। आ से आम। हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आ। आ से आम। चलो धारा एंड प्रणिका आप लोग अभी बताओगे मुझे आ से शुरू होने वाले वर्ड्स, कुछ शब्द आपको पता है? धारा का माइक शुरू करो। धारा को पता है आ से शुरू होने वाले वर्ड्स, कुछ शब्द? आ से आम। क्या बोला आपने? आ से आ से आम। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। I can't hear you. Okay. Ah, I say ah. Ah, I say ah.
आ से आम, ओके। और आ से आदमी, आ से आदमी। ओके, और आपको आते हैं नेक्स्ट, कौन है? प्रणिका। प्रणिका क्लास में हो? प्रणिका बेटा आप बोलोगे? यस, शी इज इन क्लास। आप बोलोगे? आ से शुरू होने वाले वर्ड्स कुछ शब्द आपको आते हैं? आम, आ से आम, और ओके। चलो अब धारा और प्रणिका अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो। निकालिए अपनी अपनी नोटबुक्स। अपने अपने नोटबुक्स में ऐसे आज आ लिखना है। स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो। ओके, तनीष। तनीष आप भी लिखना शुरू करो। आपको कुछ वर्ड्स आते हैं पता है? आ से शुरू होने वाले। तनीष का माइक शुरू करो। हेलो, बोल। आपको आ से आ इमली, आ से आ आ से आख, इसे पूरा नहीं बोलना है स्वर अभी, सिर्फ आ और आ से शुरू होने वाले वर्ड्स, या फिर आप नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो आ। ओके, धारा, प्रणिका, तनिष। यस, ओके, चलो लिखना स्टार्ट कर दो आ। और कंप्लीट होने के बाद चैट बॉक्स में कंप्लीट डन करके मैसेज डालना है। ओके, अभी हम नर्सरी के लिए देखेंगे। नर्सरी के लिए क्या है आज? नर्सरी में से कौन कौन प्रेजेंट है? रियांश एंड श्रीयज्ञा। ओके, रियांश और श्रीयज्ञा आज हम ओरली करेंगे हिंदी के स्वर। ओके, लास्ट क्लास में हमने ओरल हिंदी के स्टार्ट किए थे। ओ स्टार्ट किया था। ओके, ओ उससे अनार, ऐसे अनार होता है। ओ उसे अनार। तो आज हम ओरली करेंगे आ, आ से आम, आ आसे आम, आ आसे
आम। नर्सरी, ओ से अनार, आ से आम, आ से आम। ओ से अनार, आ से आम। ओके, चलो रियांश का माइक शुरू करो पहले। रियांश अभी ओरल बोलेगा। ओके, रियांश रियांश क्लास में है। रियांश नॉट इन अ क्लास। ओके, श्रीयज्ञा का माइक शुरू करो। श्रीयज्ञा ओरल बोलेगी अभी। बोलो बेटा। अ से अनार। अनार बोल बाया। अनार टीचर चे मागे बोल। तुला मग स्कूलला जायचंय ना, स्कूल बस बस मध्ये बसून म्हण हे आलं ना तरच तुला ना स्कूलला जाणार जायला येणार आहे। आता स्कूलला नाही तुला घरी, तुला सारदाच्या स्कूलला जायचंय ना म्हण। मम मन अ अनार। हाँ ओके, मन असे अनार, असे अनार। कुठे पप्पा आहेत? असे अनार से से बेबी ओरल बोलो। अ असे अनार। त्यांना शेतने बोल ना बाळा, मी दादाला सांगू बोलायला। शिवान म्हण असे अनार, असे अनार। शेर ना सब बोल रहे हैं, आप भी बोलो बेटा। चलो बी अ गुड गर्ल। यू आर गुड गर्ल ना शिवान, शेर ना यू आर गुड गर्ल। से असे अनार, यू आर नॉट स्पीकिंग इन द क्लास। हा Everyone is speaking, baby. You are not speaking. बोल असे अनार, असे अनार। तू काय बोलणार मग? काय बोलणार तू? नो मॅम, शी इज नॉट स्पीकिंग। अनार, आसे आम। ओके ओके ओके, लेट इट बी। ओके ओके, जस्ट ऑफ योर माइक। ओके, नर्सरी के लिए भी हमने ओरली किया है। अ से अनार एंड आ से आम। ओके, चलो अभी देखते हैं किसका किसका कंप्लीट हुआ है। हम लेकिन पोएम रिपीट करेंगे, लास्ट क्लास में जो स्टार्ट की थी वो भी पोएम रिपीट करेंगे, और ये क्लास में न्यू पोएम भी स्टार्ट करेंगे। ओके, आफिया आयशा कंप्लीटेड। ओके, तो अभी हम न्यू पोएम अभी स्टार्ट करते हैं, या फिर सबका हो रहा है तब तक हम ओल्ड पोएम रिवाइज करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में जो पोएम ली थी हमने वो एक बार हम रिवाइज करते हैं।
फिर हम न्यू पोएम स्टार्ट करेंगे. ओके सबको प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? नाउ माय प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. सो क्या नाम आपकी प्रेजेंट स्क्रीन दिखती है? ओके हमने लास्ट क्लास में जो पोएम ली थी वो एक बार रिपीट करेंगे. दुनिया गोल. दादा जी का डंडा गोल, दादी माँ की ऐनक गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती दुनिया गोल. पोयम का नाम है दुनिया गोल. क्या पोयम का नाम है? दुनिया गोल. दादा जी का डंडा गोल, दादी माँ की ऐनक गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती दुनिया गोल. ओके आप में से कौन अभी पोयम रिपीट करेगा, बोलेगा, ओरल करेगा? चैट बॉक्स में लिखो. आयशा का नाम है, आयशा का माइक शुरू करो. चलो. दादा जी की डंडी गोल, दादी माँ की ऐनक गोल, आगे पापा जी की पैसा गोल, पहले मम्मी जी की रोटी गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी की पैसा गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, टीचर कहते मैडम कहती, मैडम कहती दुनिया गोल. यस गुड गर्ल आयशा. नाउ ऑफ योर माइक. नेक्स्ट कौन बोलेगा? आयशा के बाद आफिया, आफिया के बाद विराट. चलो. दादाजी का डंडा गोल गोल, दादी माँ की ऐनक गोल गोल, मम्मी जी की रोटी गोल गोल, पापा जी का पैसा गोल गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती दुनिया गोल. गुड गॉड. नाउ ऑफ योर माइक. नेक्स्ट विराट. विराट पोएम बोलेगा अभी. चलो बोलो पोएम बोलो. दादा जी का डंडा दोल, दादी माँ की ऐनक दोल, मम्मी जी की रोटी दोल, पापा जी के दोल, बच्चे कहते लड्डू दोल, मैडम कहती दुनिया दोल. यस गुड बॉय. नो ऑफ योर माइक. विराट के बाद कौन बोलेगा? सब लोग पोएम बोलेंगे. लास्ट क्लास में जो हमने सीखी है वो अच्छे से रिपीट करेंगे पोएम. फिर हम नेक्स्ट आज के क्लास में न्यू पोएम स्टार्ट करेंगे. धारा पोएम बोलेगी अभी नर्सरी में से. नो धारा इज इन जूनियर केजी. शी इज राइटिंग और शी इज कंप्लीटेड. राइटिंग कंटिन्यू कर रही है वो. रियांश पोएम बोलेगा. रियांश का माइक शुरू कर सकता है कोई?
रियांश प्रिया ने पोयम बोलेगी। मम्मी जी की रोटी गोल मोल बच्चे कहते लड्डू गोल बेबी बोल। ओके ठीक है उसका माइक ऑफ करता ना। नेक्स्ट जूनियर के जी में से कौन पोएम बोलेगा अभी दुनिया गोल। जूनियर के जी में से धारा प्रणिका एंड तनिष दुनिया गोल बोलो कौन बोल रहा है। दादा जी की रोटी को पापा जी का पैसा को मैं बच्चे के थे लड्डू को मैडम कहती दुनिया गोल। ओहो ये धारा ही थी ना। यस मैम। यस गुड गर्ल बेटा आपने अच्छे से पोएम बोलिया। चलो माइक ऑफ कर दो। नेक्स्ट तनिष तनिष का माइक शुरू करो। दादी चीचा डंडा दो डंडा गोल। और नेक्स्ट दादी अंडा भाई दिदो दादी माती आई ना गोल आई दिदो आई ना गोल आई दिदो। मम्मी जी की रोटी गोल मम्मी जी की रोटी गोल पापा जी का पैसा गोल पापा जवाब पापा भाई गोल 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 पापा जी का पैसा गोल बेटा जब बच्चे कर दे बच्चा कर दे लड्डू गोल लड्डू गोल मैडम कर दी मैडम कर दी दुनिया गोल दुनिया गोल। यस गुड। नेक्स्ट कौन है अभी कौन बोलेगा। तनिष का हो गया धारा का हो गया प्रणिका प्रणिका का माइक शुरू करो। चलो बोलो प्रणिका बेटा। दादा जी का डंडा गोल लवकर बोल परी दादा जी का दंडा गोल। बोलो प्रणिका लवकर बोल टीचर बोलते बोल। दादी माँ की एन गोल मम्मी माँ लवकर बोल हाँ बोलो बोल दादा जी का दंडा गोल बोल ना लवकर ठीक है कोई बात नहीं है वो नहीं बोल रही अभी तो। दीदी आंसू थे ना दीदी ला चल फूल लो ओके माइक ऑफ कर दो आपका सर। चलो अभी अभी हम न्यू पोयम बोलेंगे आज सीखेंगे। यस पोयम का नाम है अक्षरमाला। क्या नाम है न्यू पोयम का अक्षरमाला। पहले मैं वो पोयम पढ़ूंगी सबको दिख रही है प्रेजेंट स्क्रीन पर पोयम मैं
पोएम पढ़ूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी, फिर वन बाय वन आप लोग मेरे पीछे बोलोगे, ओके? अक्षर माला, न्यू पोएम का नाम है अक्षर माला। अ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख, मिलजुल कर हम सदा रहे, एक दूजे के काम करे। न्यू पोयम का नाम है अक्षर माला। और अक्षर माला में पोयम में क्या बताया है, अ से अनार, आ से आम, पढ़ना तो है अपना काम। अपना क्या काम क्या है, सिर्फ हम बच्चों का काम क्या है, आप सब बच्चों का काम क्या है, सिर्फ पढ़ना काम है अभी। यस, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख, ईश्वर भगवान गॉड को प्रे कर रहे हैं हमको सीख देना, मतलब अच्छे से सीख देना, अच्छे से बुद्धि देना, जो हम सिर्फ पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें, मिलजुल कर हम सदा रहे, हम सब मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, अलग अलग नहीं खेले कुछ, सब खेलना हो, होमवर्क करना हो, स्टडी करना हो, जैसे अभी हम सब एक साथ मिलकर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे कुछ नया, वैसे ही हम मिलजुल कर सदा रहे, एक दूजे के काम करें, एक दूजे के जो भी काम हो वो करें, मतलब दादी ने कुछ बोला हमें, दादाजी ने बताया, मम्मी बता रही है, पापा बता रहे हैं, तो वो सब काम हम छोटे हैं तो हमें करना ही चाहिए, ओके? वापस एक बार मैं पोयम पढ़ रही हूँ। अ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख, मिलजुल कर रहे हम सदा रहे, एक दूजे के करे, एक दूजे के काम करे। ओके, सबको न्यू पोएम समझ में आई है? सीनियर के जी, जूनियर के जी, नर्सरी, सबको पोएम समझ में आई है? अक्षर माला की पोएम है ये। अ से अनार, आ से आम, अपना तो है भाई पढ़ना काम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख, मिलजुल कर हम सदा रहे, और आगे क्या था, लास्ट लाइन क्या है, एक दूजे के काम करे। सबको पोएम समझ में आई है? सीनियर के जी, नर्सरी, जूनियर के जी, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अभी वन बाय वन सब लोग एक एक बार पोएम ये रीड करेंगे अभी क्लास में। पहले कौन रीड कर रहा है, चैट बॉक्स में नाम लिखो। आफिया, ओके, आफिया का माइक शुरू करो। ओके, अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, ई से इमली, ई से इमली, ई से बड़ी ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख, मिलजुल कर हम सदा रहे, एक दूजे के काम करे। यस, ऑफ योर माइक। नेक्स्ट कौन पोएम बोलेगा, ये विराट, विराट के बाद आयशा। ओके, चलो विराट का माइक शुरू करो। चलो बोलो, बोलो पोएम। अम्मा तो है पढ़ना था, इसे मेरी बड़ी से ईख, इसे हम तो देना सीख, मैं दूर तो अंधेरा ले, एक दूजे के काम करे,
इरुडे ते दाम तले दाम यस गुड बॉय ऑफ करो माइक नेक्स्ट आयशा आयशा का माइक शुरू करो यस टीचर बोलो पोयम बेटा अक्षर माला की पोयम बोलो ऐसे आम अपना तो है पर नाकाम ई से इमली ई से एक ईश्वर हमको इस पर हमको देना सी नहीं खेल के हम सदा रहे एक दूजे के एक दूजे के काम करे काम करे यस नो ऑफ योर माइक नेक्स्ट कौन पोएम बोलेगा अभी न्यू पोएम है एक बार रिपीट करो क्लास में तो आपको अच्छे से आ जाएगी पोएम प्रणिका बोलेगी प्रणिका का माइक शुरू करो चलो बोलो करो सर ओसे अनार बोल ओसे अनार आसे आम आसे आम अपना तो है अपना तो है बोल पोएम है थी अपना तो है बोलो कर अपना बोल अपना बोल ऊपर बोल अपना तो है अपना तो है पढ़ना काम पढ़ना काम ई से इमली ई से इमली ई से ईख ई से ईख ईश्वर हमको देना सीख मिलजुल कर हम सदा रहे एक दूजे के काम करे यस गुड गर्ल नेक्स्ट धारा का माइक शुरू करो चलो धारा पोएम बोलेगी अभी धारा ओसे यस ऐसे अना ऐसे आम इसे इमली इसे इमली बड़ी से बड़ी से ईश्वर हमको देना सीख ईश्वर देनो ईश्वर हमको देना सीख हमको देना सीख मिलजुल कर हम काम करें मिलजुल कर हम करें सदा रहे एक दूजे के काम करें एक दूजे के काम करें यस गुड गर्ल ऑफ योर माइक नेक्स्ट तनिष तनिष का माइक शुरू करो चलो तनिष बोलेगा अभी ओरल तनिष क्लास में है नहीं है तनिष ओके तो अभी नेक्स्ट कौन है कौन बोलेगा पोयम रियांश पोयम बोलेगा रियांश क्लास में है
रियांश इज ऑल्सो नॉट इन अ क्लास। श्रीयज्ञा पोएम बोलेगी। कितना पोएम बोलना है? नहीं बोलते। ओके ठीक है, चलो चलो अभी रिकैप लेते हैं, हमने आज क्या क्या लिया है। ओके स्टार्ट फ्रॉम सीनियर केजी। सीनियर केजी के लिए आज हमने क्या क्या लिया है? सीनियर केजी के लिए हमने ओ से अहा तक रिवाइज किया, एक बार रिवाइज किया ओरली, और क भी रिवाइज किया है। आज हमने न्यू व्यंजन सीखा है, वो है ख ख ख से खरगोश, ख से खाना, ख से खादी। ओके नेक्स्ट, तो सीनियर केजी के लिए होमवर्क है 1 पेज ख एंड लर्न न्यू पोएम। ओके नाउ जूनियर केजी के लिए क्या लिया है हमने? जूनियर केजी के लिए भी हमने ओ से आहा तक ओरल लिया है और ओ का भी ओरल लिया है, और आज हमने सीखा है आ, आ कैसे लिखना है, आ से आम। ओके तो आपका होमवर्क है, जूनियर केजी के लिए होमवर्क है आज का। राइट 1 पेज आ एंड लर्न न्यू पोयम अक्षरमाला। यस ये आज हमने जूनियर केजी के लिए होमवर्क दिया है। नाउ नर्सरी, नर्सरी के लिए हमने ओ और आ ओरली लिया है, ओ से अनार, आ से आम, और न्यू पोयम लर्न करनी है अक्षर माला की। ओके समझ में आया होमवर्क सबको? अ से ओ और आ ओरली और अक्षरमाला की पोयम, अक्षरमाला की पोयम रीड करनी है आप सबको। ओके होमवर्क समझ में आया सबको? होमवर्क समझ में आया सबको? Now all of you can leave the class, left the class. Bye-bye, teacher. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye, teacher. क्लास लेफ्ट करो।